हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे भरवा कैप्सिकम और इसको हम बनाएंगे आलू भर के। और बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। जब हम कैप्सिकम में ये आलू का मसाला भर के बनाते हैं तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पैन में मैंने करीब 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी जीरा, सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और हींग। जब ये अच्छे से सौते हो जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी चॉप की हुई हरी मिर्च और चॉप किया हुआ अदरक। अदरक और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, ये ज़रूर से डालिए। इन सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी हम थोड़ा सौते कर लेंगे। जब मसाले हमारे अच्छे से सौते हो जाएंगे और थोड़ा सा ऑयल रिलीज करने लग जाएंगे तब हम इस पे आलू को मैंने बॉईल करके मैश करके रख दिया था तो वो डाल देंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को हम मसालों में अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमारा मिक्सचर रेडी है तो मैं इसको ठंडा करने रख दूंगी। और हमारे पास है ये छोटे छोटे से कैप्सिकम। जब भी आप भरवा कैप्सिकम बनाते हैं तो इस तरह के छोटे कैप्सिकम अगर आपको मिलते हैं तो वो ही लीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं भरवा कैप्सिकम बनाने के लिए ऊपर से कट करके अंदर से बीज निकाल दूंगी। और जो हमारा कैप्सिकम रेडी होते हैं उसमें हम इस तरह से उसका जो स्टफिंग है जो हमने आलू का बनाया था वो इसमें भर देंगे। बहुत ही अच्छे से फिल करिए पूरा अंदर तक, पूरे कैप्सिकम अच्छे से फिल होंगे। जितना स्टफिंग अंदर ज़्यादा होगा उतने ही वो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से मैं सारे कैप्सिकम धीरे धीरे भर लूँगी। सारे कैप्सिकम हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल फिर से लूँगी और ऑयल को हम सारी तरह अच्छे से फैला देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें रखेंगे कैप्सिकम जिसको हमने स्टफिंग भर के रखा था और कुछ इस तरह से रखेंगे। और धीरे धीरे इसको लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे तब बीच बीच में हम इसको पलटते जाएंगे, साइड्स को चेंज करते जाएंगे ताकि ये इवनली सब जगह से कुक हो जाए। और इसको हम ढक करके लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। अब देखिए अब ये थोड़े से कुक हो चुके हैं तो हम इस तरह से इसको धीरे धीरे साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि सारे कैप्सिकम्स इवनली सारी तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए हमारे कैप्सिकम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें जो बाकी मसाला बचा है थोड़ा सा वो डाल दूँगी और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से यह मसाला अलग से डालने से सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमारे स्टफ कैप्सिकम रेडी हो चुके हैं, भरवा कैप्सिकम। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है पर बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे पराठे या किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसकी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।